हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 10th की साइंस के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेज विच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो उनसे हमें रिएक्शन दे रखी हैं टू, इनमें से हमें बताना है कि किस सब्सटांस का ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटांस रिड्यूस हुआ है। आपको ऑक्सीडेशन और रिड्यूस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो पहला पार्ट हमारे पास आता है, 4Na प्लस O2 बन जाता है 2Na2O। Na सोडियम को कहते हैं, ओ ऑक्सीजन को कहते हैं, Na2O ये हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड को। तो यहाँ पे 4Na प्लस O2 बन जाता है सोडियम ऑक्साइड। अब हमें बताना है कि इसमें से किस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो आंसर, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज Na एज इट गेन्स ऑक्सीजन। जो सोडियम है Na है वो ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे Na अकेला है, सोडियम अकेला है, लेकिन वहाँ पे जाके सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलाव करके ऑक्सीजन को अपने पास कर लिया है, यानी 2Na2O बना दिया है, सोडियम ऑक्साइड बना दिया है। तो इसीलिए सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस, और ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है। कैसे हुई है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम थे रिएक्शन से पहले, लेकिन रिएक्शन के बाद उधर सिर्फ एक ही एटम गया, यानी एक ऑक्सीजन का एटम का लॉस हो चुका है, यानी ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास आता है, CuO प्लस H2 बन जाता है Cu प्लस H2O। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन बन जाता है Cu यानी कॉपर प्लस H2O यानी वाटर। अब इस रिएक्शन में बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज Cu एज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज एज इट गेन्स ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि Cu के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन उधर जाके ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, यानी Cu रिड्यूस हुआ है और इज ऑक्सीडाइज एज इट गेन्स ऑक्सीजन। कौन सा हाइड्रोजन है? यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलाव करके ऑक्सीजन को अपने पास कर लिया, तो बना दिया H2O यानी ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो यहाँ पे है ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो H2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। सो दोस्तों, ये था क्वेश्चन। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अच्छा लगा और समझ आया वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।